शिव के द्वारे सभी को बुलाया, न मायूस लौटा जो शरदा से आया। चलो शिव के द्वारे, भगवान भोलेनाथ देवों के महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं, साथ में पार्वती जी भी बैठी हुई हैं, आपस में वार्तालाप हो रहा है। अचानक पार्वती जी का ध्यान भगवान भोलेनाथ जी के गले में पड़ी हुई सरों की माला की तरफ चला गया और उनसे उस माला के बारे में पूछ बैठी। हाथ जोड़ कहा पार्वती ने भगवान ये समझाए, गले में है जो सरों की माला उसका राज बताए। तब बोले महादेव सती के कैसे तुझे बताएं, तब बोले महादेव सती के कैसे तुझे बताएं, ये सारे के सारे ही सर तूने है पहनाए। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगे। पार्वती कहने लगी, प्रभु जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने तो ये माला आपको नहीं पहनाई, जन्म जन्म मैं तो आपकी दासी बनकर आपका प्रेम और स्नेह पाया है, फिर ये सरों का हार आपको मैंने कब पहनाया है। कहा सती ने सोच के भगवान बात समझ ना आई, सरों की माला आपको मैंने कब कैसे पहनाई। कहने लगी के इस उलझन को जल्दी से सुलझाओ, कहने लगी के इस उलझन को जल्दी से सुलझाओ, हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती खुल के जरा बताओ। भोलेनाथ सोच में पड़ गए, अब सती को कैसे समझाऊं, अगर से बतलाया तो ये मानेगी नहीं, मगर बताना तो पड़ेगा ही। कहने लगे, पार्वती तूने इस नश्वर संसार में अनेकों बार जन्म लिया और अपना जीवन भोग कर जब तूने अपनी देह को त्यागा तो तेरे सरों को एक एक करके इस माला में पिरोता रहा और तेरे हर जन्म के रूप को मैंने अपने हृदय से लगा के रखा है। जब जब तूने जन्म लिया यार तब तब देह त्यागी, तेरे सरों को जोड़ के मैंने माला एक बना दी। तेरे हर एक रूप को हर पल हृदय रहा लगाए, तेरे हर एक रूप को हर पल हृदय रहा लगाए, इसलिए तो कहता हूँ सर तूने है पहनाए। जय जय महिमा हर हर महादेव, जय जय महिमा हर हर महादेव।
आंसू छलक पड़े। कहने लगी, हे नाथ, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे, दुनिया में क्या तीनों लोकों में मुझसे भाग्यवान और कोई नारी नहीं होगी जिसका पति उससे इतना स्नेह करता होगा, तो आप एक और मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी विनती मानो भगवन, मुझ पर कर्म कमाओ, दूर रहूं ना आपसे एक पल, ऐसा पास बुलाओ, बार बार के जन्म मरण से मिल जाए छुटकारा, बार बार के जन्म मरण से मिल जाए छुटकारा, युग युग तक मेरे भगवन फिर ना छूटे साथ हमारा। प्रभु, मेरा हर जन्म आपको समर्पित है और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, तो क्यों नहीं आप हमेशा के लिए मुझे अपने चरणों से लगाकर रख सकते। मैं तो आपकी हूँ, फिर मुझे क्यों ये देह का त्याग करना पड़ता है। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तो अमर हूँ इस धरती पर, मार सके ना कोई, मैं हूँ अमर कथा का ज्ञाता, दूजा और न कोई, प्रेम भाव और सच्चे मन से जो इसको सुन पाए, प्रेम भाव और सच्चे मन से जो इसको सुन पाए, मेरी तरह इस धरती पर वो भी अमर हो जाए। भोलेनाथ सोचने लगे, पार्वती अब कथा सुने बिना नहीं माने, फिर भी सती को समझाते हुए कहा, हे सती, ये कथा सुनना बहुत मुश्किल है और जिसके भाग्य में ये कथा सुनी ना लिखी हो वो तो इसे कभी नहीं सुन सकता, और ये सुनने के लिए पूरा ध्यान इसकी शर्तों पर निर्भर करता है। सुनकर बातें पार्वती की शिव शंकर मुस्काए, कहा सती ये अमर कथा बिन भागे सुनी न जाए, सुन सकता है वही बशर जो हूँ साथ बुलाए, सुन सकता है वही बशर जो हूँ साथ बुलाए, जो न देवे साथ हुंगारा सुना निष्फल ही जाए। पार्वती कहने लगी, भगवान, अब तो इस तरह बातों में आप मुझे नहीं डाल सकते, अब तो ये अमर कथा मैं आपसे सुनकर ही रहूंगी, आप कथा शुरू कीजिए, मैं आपको हुंगारा दूंगी। पार्वती जी बोली, भगवान यूं ना मुझको टालो, यूं ना मुझको टालो, यूं ना मुझको
जन्म मरण के बंधन से मुझको ही आप निकालो। जीवन में ना जाने कब आए ये वक्त दोबारा, जीवन में ना जाने कब आए ये वक्त दोबारा। आप सुनाए कथा प्रभु मैं दूंगी साथ हुंगारा। हे सती, जल्दी तैयारी कीजिए, आज मैं आपकी कथा सुनने की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। अंतर ध्यान हो नीलकंठ ने अपनी निगाह दौड़ाई, ऊंचे पर्वत गुफा सुहानी उनके मन को भाई। चलो सती मैं कथा सुनाऊं, शिव शंकर जी बोले। चलो सती मैं कथा सुनाऊं, शिव शंकर जी बोले। भूला नहीं समाई उसका खुशी से मनवा डोले। पार्वती जी जाने की तैयारी करने लगे, गणेश जी को भी तैयार किया और मन ही मन में खुश हो रही हैं कि प्रभु मुझे भी अमर कर देंगे। भोलेनाथ ने नंदी जी को बुलावा भेजा, किया इशारा शिव भोला ने, नंदी जी चल आए। पार्वती को साथ लिया और गणपत गोद बिठाए। चलते चलते तीनों ही फिर पहले गांव में आए। चलते चलते तीनों ही फिर पहले गांव में आए। नंद जी तुम यहीं पे ठहरो, शिव ने वचन सुनाए। कैलाश पर्वत से नंदी जी पर सवार होकर भोलेनाथ पार्वती जी और गणेश जी को लेकर चल पड़े और चलते चलते एक स्थान पे नंदी जी को रोका और कहा, नंदी जी आप यहीं विश्राम कीजिए। और जिस स्थान पर नंदी जी को ठहराया उसे आज भक्त पहलगाम कहते हैं। पहलगाम में नंदी छोड़ा चंदनवाड़ी चंदा, शेष नाग में सर्प ते आगे पंचतरणी में गंगा। चलते जाए पर्वत पर्वत आई गुफा निराली। चलते जाए पर्वत पर्वत आई गुफा निराली। जा बैठे उस गुफा के अंदर तीनों लोक के वाली।
थोड़ा और आगे गए तो मस्तक के चांद को जिस स्थान पे छोड़ा उसे भक्त आज चंदनवाड़ी कहते हैं। भोलेनाथ ने आगे जाकर गले से शेषनाग को उतार कर जिस स्थान पर छोड़ा उसे आजकल भक्त शेषनाग पर्वत कहते हैं। थोड़ा और आगे जाकर भोलेनाथ ने किताओं में से गंगा को उतारा और उसे जिस स्थान पर छोड़ा उसे आज भक्त पंचतरणी कहते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर चलते जा रहे हैं और चलते चलते वो पावन गुफा आ गई। भोलेनाथ पार्वती के संग उस पावन गुफा में पहुंच गए। चारों तरफ ही खामोशी, शिव लगे है कथा सुनाने। साथ साथ में पार्वती का लगा हुंगारा आने। कथा हुई पूरी तो शिव शंकर ने वचन सुनाया। कथा हुई पूरी तो शिव भोला ने वचन सुनाया। पार्वती तुम धन्य हुई जो चाहा तूने पाया। के अंदर भगवान भोलेनाथ ने आसन बिछाया, पार्वती को पास बिठाया और अंतर ध्यान होकर कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी भी साथ में हुंगारा दे रही हैं। वक्त गुजरता गया, कथा चलती रही और जब कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती आज तुम्हारे मन की मुराद पूरी हुई, आज जो तूने चाहा पा लिया, तू भी अमर हो गई। शिव ने देखा पार्वती को वो बेसुध थी सोई। किसने दिया हुंगारा किसकी जागी किस्मत सोई। ऊपर नजर उठाई तो क्या देखा अजब नजारा। पर नजर उठाई तो क्या देखा अजब नजारा। एक प्यारा सा तोता उनको देता रहा हुंगारा। अमरनाथ।